नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के ऑफिस के अंदर और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संतलाल चावरिया जी हैं हमारे साथ। संतलाल चावरिया जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शुक्रिया, आपका स्वागत है। जी संतलाल जी, क्या कारण है कि आज भी जो बहुजन समाज के लोग या दलित समाज के लोग या वाल्मीकि समाज के लोग गटरों के अंदर मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी आप दिल्ली सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी आपकी लोगों का इतना ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको संसाधनों का उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, क्या कारण है उसका? देखिए सुरेंद्र जी, सीवर में मेरे कार्यकाल में जितनी भी डेथ हुई हैं जी, हमारी रिकमेंडेशन पर दिल्ली सरकार ने तुरंत 10-10 लाख रुपए का चेक सीवर में मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को दिया गया है। उनके नौकरी की व्यवस्था की जा रही है, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। एमएस एक्ट 2013 के अंदर जितने भी प्रावधान हैं वो सब उन परिवारों को मुहैया कराने का पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और आयोग की तरफ से पूरी रिकमेंडेशन की जाती है दिल्ली सरकार को और दिल्ली सरकार ने वो सारे पेमेंट किया गया है सीवर के लिए। मेरा यह मैसेज है कि सीवर में जो आजकल डेथ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बहुत चिंतित है। मैं ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि आजकल जो सीवर में डेथ हो रही है वो ज़्यादातर छुट्टियों के दिन में होती है। जो बस्तियों में हमारे लोग हैं वो 200-400, क्योंकि भुखमरी का टाइम है, बेरोजगारी का टाइम है, वो अपना पेट पालन के लिए 200-400 रुपए के लालच के अंदर प्राइवेट ठेकेदारों के बहकावे में आकर और सीवर में सफाई करने चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली पूरे उपकरण ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए आयोग पूरा अवेयरनेस कर रहा है, बराबर मीटिंग कर रहा है, सारी एजेंसियों को बुलाकर उनको डायरेक्शन इशू कर रहा है। सर, एक बहुत बड़ा कारण है कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको अभी तक 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए, अभी तक पक्का भी नहीं किया गया, इसके लिए आपकी क्या योजना है, क्या आगामी क्या करने वाले हैं वो बताएं। देखिए, अपने दिल्ली के तमाम कच्चे सफाई कर्मचारी को पक्का करने के लिए दिल्ली की तमाम सफाई मजदूर संगठनों ने बहुत संघर्ष किया। दिल्ली की सड़कों पर हड़ताल, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, उनको सस्पेंड भी किया गया है, टर्मिनेट भी किया गया है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में काबिज है, उन्होंने हमारे कर्मचारी को पक्का करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ देने का एफिडेविट दिया और केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम ना एमसीडी को ना दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देंगे, तो आप मजबूर होकर मुझे अपने सफाई कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, उनके जितना भी पेंडिंग एरियर उसको दिलाने के लिए, मैंने 26 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सफाई सीवर सफाई अधिकार दिवस के रूप में मैं अपना आयोग के एनुअल डे को मनाने जा रहा हूं, जिसमें हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी सारी मांगे 10 पॉइंट मैंने दिए हैं और ये आग्रह किया है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को सबको पक्का करने के लिए दिल्ली सरकार पहल करे, सबको उनका एरियर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि आने वाली 13 अक्टूबर को जो वाल्मीकि जयंती आ रही है, ये सबसे बड़ा दिल्ली सरकार की तरफ से तोहफा होगा। हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको रिकमेंड किया है और मैं दिल्ली सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार को इसमें, क्योंकि पूरी राजनीति हो रही है, दिल्ली सरकार को काम भी नहीं करने दिया जा रहा है एलजी के माध्यम से, एमसीडी 15 साल से बीजेपी में हमारे लोगों को काम नहीं कर रही, तो मैं तो दिल्ली सरकार को कहूँगा, क्योंकि उसका मैं हिस्सा हूँ, कि अब उनको उनके अधिकार देने ही चाहिए। आपने बताया कि 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं, क्या सीएम साहब भी उसमें आ रहे हैं? यस, बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत कर रहे हैं, साथ में डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, हमारे जो इस मेरे डिपार्टमेंट के जो कंसर्न मिनिस्टर एससीएसटी मिनिस्टर मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम भी आ रहे हैं, अन्य मंत्री भी आ रहे हैं, साथ में हमारे विधायक, हमारे काउंसलर, साथ में एससीएसटी विंग और साथ में हमारे राज्यसभा सांसद जो 3 आम आदमी पार्टी के हैं वो एनडी गुप्ता जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बाकी संजय सिंह जी और सुशील गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। क्या मांगे रहेंगी इस कार्यक्रम को करने के बीच में और क्या मांगे आपकी मानी जाएंगी, कहाँ तक उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों को कहाँ तक मानेगी, और दिवाली भी आने वाली है और दिवाली के अंदर जो वाल्मीकि समाज या बहुजन समाज के लोगों को क्या सौगात मिलेगी, क्या सरकार देगी नहीं देगी वो भी बताएं। देखिए, मैंने आपके चैनल को भी एक 10 सूत्रीय एजेंडा दिया है, ये 10 सूत्रीय एजेंडा मैंने सरकार को भी दिया है और वाल्मीकि जयंती के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये तोहफा सरकार की तरफ से मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार हमारी सुनवाई करेगी और पूरा भरोसा है कि दिल्ली के सीएम इस कार्यक्रम में आकर एक बहुत बड़ी आधिकारिक अहम घोषणा करेंगे और दिवाली से पहले या वाल्मीकि जयंती से पहले हमारे लोगों को अधिकार मिलेगा। मेरे जो एजेंडा है उसमें 10 सूत्रीय एजेंडे में सबसे पहला जो अहम एजेंडा है वो है कच्चे कर्मचारी जो 15-20 साल से भुगत रहे हैं, जिनकी उम्र निकली जा रही है पक्का होने में, उनको सबको पक्का किया जाए। दूसरा ये है कि हमारे जो कर्मचारी बैकडेट से पक्के माने गए हैं 2003 से 2004 से, कुछ लोगों का 7वें पे कमीशन का एरियर है, कच्चे कर्मचारियों का एरियर है, उन सबका या रिटायरमेंट है या डेथ केस के हमारे कर्मचारी जिनको पैसा नहीं गया
गया, पेंशन तक नहीं मिल रही है, वो सारा पैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को ये सारा पैसा तोहफे के रूप में जरूर देगी। आप थे हमारे साथ संतलाल चावरिया जी, जो हमेशा बहुजन और दलितों की आवाज़ों को लगातार उठाते रहते हैं, और इस कार्यक्रम को करने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा जुनून है कि उनके समाज के लोगों को, उनकी आवाज़ों को उठाना, क्योंकि गटर के अंदर वाल्मीकि समाज की बहुत बड़े लेवल पे हत्याएं हो जाती हैं और उसके ऊपर सरकारें नहीं सुनती हैं। तो अब उन्होंने ठान लिया है कि जो पक्के नहीं हो पाए हैं वाल्मीकि समाज के लोग, या उनके जो मंदिर निर्माण नहीं हो पाया है उनका वाल्मीकि समाज का, तो अब वाल्मीकि समाज को उम्मीद है कि आशा की किरण दिख रही है। संतलाल चावरिया जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है और हम आशा करते हैं कि मुहिम आपकी सक्सेस होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का सुरेंद्र जी, और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये प्रसार इसका उच्च स्तर पर हो, और हमारे सफाई कर्मचारियों से, मैं कच्चे कर्मचारियों से, महिलाओं से, युवाओं से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है, ये एक सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आपको हजारों की संख्या में ताल कटोरे इंडोर स्टेडियम में 26 सितंबर को आना है और अपनी मांगों को मनवाना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल से बात करी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।